को चला रहे हैं और एक लंबी परंपरा जो अभी वैदिक साहब ने बताया कि भंडारी साहब किस तरह से बहुत वर्षों से कलकत्ता से आकर के यहाँ पर इस संस्था का संचालन कर रहे हैं। वास्तव में ये हम सबके लिए गौरव की बात है। ऐसे रविंद्र जी और उनके साथ ही मुनि जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनके ज्ञानवाणी अभी हम सुनने को मिली थी, मुनव्वर साहब, राणा साहब और यहाँ पर बहुत सारे आप सब लोग जो इस विशेष अवसर पर यहाँ पर भारत निर्माण के लिए आए हैं, आप सभी का मैं आने वाले नए साल के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। मुझे भाषण तो बहुत देना आता नहीं, लेकिन चूंकि काफ़ी सारे भाषण आप ऑलरेडी सुन चुके हैं और इसलिए बहुत लंबे भाषण की आवश्यकता भी मैं समझता नहीं। आज की जो शाम है वो निश्चित रूप से आप मुनव्वर साहब को सुनना चाहेंगे। बहुत बड़े साहित्य के हस्ताक्षर आपके बीच में बैठे हुए हैं, अपने आप में बड़ा नाम है। वैदिक साहब अपनी बात कह कर के गए हैं आपके बीच में और निश्चित रूप से हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक जो वर्षों से हम देखते रहे हैं, ऐसी कव्वाली भी आप देखना चाहेंगे और दिल्ली छह की चाट भी आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वर्ष के अंतिम दिन में एक ज्योत जला करके और इस वर्ष को समाप्त करना और अगले वर्ष के आगाज के लिए, ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब उन लोगों को हमने सम्मानित किया जो वास्तव में जिन कंपनियों का चयन आपने किया है, जो भारत रत्न है, चाहे वो MMTC है, REC है, ये चयन अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आप कितनी ईमानदारी से जो भारत का सही मायने में निर्माण कर रहे हैं उसको आप पुरस्कृत कर रहे हैं। दूसरा, ये भी अपने आप में जिन मास्टर ऑफ द ईयर को आपने अवार्ड दिया है, जिनको आपने सम्मानित किया है, बहुत सारे लोग तो इसमें से मेरे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूँ। बलविंदर सिंह जी आए नहीं, DDA के अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को आपने अभी अवार्ड दिया है, और मुझे अच्छा लगा कि अभी जो हमारे लास्ट जिनको हमने पुरस्कार दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक प्रेरणा कहीं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करेंगे। ये अगर हम सब लोग लेकर के जाएं तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ी बात है। वैसे मैं बचपन से ही अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही करता हूँ। लोगों को लगता है कि वो शायद इंग्लिश में है, लेकिन मेरा पूरा नाम वो हिंदी में लिखा हुआ है। शब्द यहाँ लिखा है कि लक्ष्य है ऊंचा हमारा और भारत निर्माण। वास्तव में ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों। भारत निर्माण और लक्ष्य दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों शब्दों में अगर शब्दों के अर्थ को हम देखें तो वास्तव में किसी भी देश की शासन प्रणाली और देश का निर्माण, और अगर हम देखें कि कई बार मेरे मन में आता है कि हम लोग बात करते हैं भारत है क्या और भारत की पहचान क्या है, हम भारत को किस चीज से जानते हैं और किसको कहते हैं कि भारत क्या है, ये हिंदुस्तान क्या है, क्या हिंदुस्तान एक बाउंड्री का नाम, हिंदुस्तान को हम बता सकते हैं कि हमारी फिजिकल बाउंड्री है वो भारत है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं वो भारत है, या हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था वो भारत है। कोई तो कोई पहचान हमारी होगी ना भारत को, अगर डिफाइन करना हो कि भारत वास्तव में क्या है, तो हमारा संविधान, हमारी बाउंड्री, हमारी सीमाएं, हमारे लोकतांत्रिक परंपराएं। लेकिन सही मायने में अगर भारत की पहचान करनी हो और भारत को जानना हो तो भारत है भारत की अपनी संस्कृति, भारत है भारत की निजता, भारत है भारत की भाषा, भारत है भारत का आतिथ्य सत्कार, भारत है हमारा पूरा जो वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है वो भारत है, भारत है हमारा अपनापन, भारत है हमारा व्यवहार। और जब देश आजाद हुआ, आजादी में जो लोग शहीद हुए, मेरे मन में कई बार ये सवाल आता है कि जब वो फांसी के फंदे पर चढ़े होंगे, कितने शहीद हुए, तो उनके मन में कोई ना कोई स्वप्न जरूर रहा होगा, उन्होंने एक चित्र जरूर देखा होगा कि जिस चीज के लिए मैं आजाद हो रहा हूं, जिसके लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं,
तो मेरे भारत का चित्र कैसा होगा। 1947 से लेकर के आज तक 67-68 साल के बीच जो उन शहीदों ने सपना देखा था, क्या वो सपना साकार हुआ? ये प्रश्न हम सबके सामने है। सरकार कोई आए, सरकारें आई गई, सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सरकार सवाल इस चीज का नहीं है कि हम किसी पर ब्लेम गेम करें। सवाल यह है कि निश्चित रूप से इतने साल में, मुझे अभी ध्यान में आया, हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, तो मैंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने पास बुलाया, बड़े से बड़े, डॉक्टर से लेके इंजीनियर्स तक, हॉस्पिटल्स, शिक्षाविद, कॉलेज के, स्कूल के, होटल इन एसोसिएशन, सबको बुलाया। मुझे ध्यान में आया कि जो बात अभी वैदिक साहब कह रहे थे कि सरकारी अस्पताल में जो सरकारी कर्मचारियों को आप ये निश्चित कर दें कि उसमें ही जाना है, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ सुविधाएं क्या है, 15 साल दिल्ली में सरकार रही, 37 हॉस्पिटल ऐसे ध्यान में आए कि जिनके अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और जब आप 100 बेडेड हॉस्पिटल राणा साहब बनाते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, संस्था बनाने के लिए ये मिनिमम चीजें हैं। और अगर उस हॉस्पिटल को हम समझें तो केवल और केवल वो एक बिल्डिंग और एक सरकारी डॉक्टर, इन दो चीजों के अलावा उन हॉस्पिटल में कुछ है ही नहीं। यानी उस 100 बेडेड हॉस्पिटल में से 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसके अंदर सिटी स्कैन मशीन है, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन है, और उसमें से भी 4 जगह, 3 जगह वो मशीन है एएमसी नहीं होने के कारण से बंद पड़ी है। ये तो केवल एक उदाहरण है जो आई ओपनिंग है। तो मुझे ध्यान में आया कि सरकारों ने किया क्या, क्या किसी को नहीं लगा? वास्तव में सही है, जब तक हम उसमें जाकर के नहीं देखेंगे, हम खुद ऐसा महसूस नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान क्या, कोई भी देश की सत्ता, हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। लोगों के पास विजन ही नहीं था। मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। मैं उनके ऊपर जिस संकल्प के साथ वो काम कर रहे हैं, जिस मेक इन इंडिया को आज आपने अवार्ड दिया है, ये बड़ा जो मेक इन इंडिया है, निश्चित रूप से मेक इन इंडिया को अगर हमने पूरी तरह से लागू कर दिया, पूरे विश्व का जो, पूरे वर्ल्ड का जो हमारे पास, अगर हमारे पास लोग आएंगे और यहां पर मेक इन इंडिया होगा, तो देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को इतना बड़ा रोजगार और इतने बड़े अवसर मिलेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, इस मेक इन इंडिया से हम कर सकते हैं। जिस स्वच्छता की बात, किसने रोका देश के प्रधानमंत्रियों को कि देश स्वच्छ नहीं होना चाहिए? देश आजाद हुआ, लेकिन हम गंदगी की मानसिकता से आजाद नहीं हुए। गंदगी केवल मातृभूमि की सफाई नहीं है, गंदगी केवल जिस प्राणदायिनी हमारी, जो जिससे हमको जीवन मिलता है, जीवनदायिनी गंगा यमुना, हम सोचें हमने क्या बना दिया उसको, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और ये गंदगी की सफाई निश्चित रूप से केवल कहने भर के लिए नहीं है। लोगों ने कहना शुरू किया 30 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, क्या हुआ मोदी जी ने गंदगी के लिए किया? जितना कुछ हुआ है, वास्तव में मैं तो नीचे जाकर के देखता हूं, हम सबको कुछ ना कुछ उसमें करने की आवश्यकता है। अकेला कोई भी शासन, अकेला कोई भी प्रधानमंत्री किसी चीज को पूरा नहीं कर सकता। और जिस गंदगी की हम बात कर रहे हैं, वो गंदगी एक तो बाह्य गंदगी है, और एक गंदगी जिस आध्यात्मिकता की बात हम करते हैं, हमारे अंदर की जो आध्यात्मिकता के अंदर की जो गंदगी है, अगर हमारी अंदर की गंदगी ठीक होगी तो यकीन मानिए दिल्ली के अंदर कभी कोई रेप नहीं होगा। अगर हमारी अंदर की गंदगी ठीक होगी तो आप यकीन मानिए दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर हमारी गंदगी अंदर की ठीक होगी तो दिल्ली के अंदर छोटी छोटी पार्किंग के ऊपर मर्डर नहीं हो जाएंगे। अगर हमारी मानसिकता ठीक होगी, हमारे अंदर सदृढ़ता ठीक होगी, तो मुझे लगता है कि हमको अंदर और बाहर की दोनों गंदगियों को साफ करने की जरूरत है। और इसको हम साफ करेंगे जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे मेरा क्या और मेरे लिए क्या, ये जब तक हम लेकर के चलेंगे, छोटे मन से कभी बड़े काम हो नहीं सकते। हम अपने व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो सबको हम कहते हैं, नहीं मेरा मन तो बहुत बड़ा है, मैं सबके लिए बहुत कुछ करता हूं या करती हूं। एक बार अपने मन में अंदर झांक करके देखें, क्या वास्तव में हमारा मन बड़ा है? और अगर हम मन बड़ा कर लें तो कोई समस्या रहेगी नहीं। तो इस मन को हम बड़ा करें। हम अपने जिस संस्कृति के लिए हम पहचाने जाते हैं, जिस भारतीयता के लिए हम जाने जाते हैं, जिस निज भाषा के लिए हम जाने जाते हैं, जिस अच्छे व्यवहार के लिए हम जाने जाते हैं, जिस अच्छे धर्म के लिए हम पहचाने जाते हैं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं,
भारतीयता, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति के लिए हम जाने जाते हैं। हमारे अपने विचारों को मानने की पद्धति अलग हो सकती है, कोई जैनिज्म को मानता है, कोई सनातन धर्म को मानता है, कोई आर्य समाज को मानता है, कोई सिखिज्म को मानता है, लेकिन सभी धर्मों की, एक वक्ता ने कहा कि जो छोटी छोटी बातें, वास्तव में मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म को हम पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने देश को और समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। आपने मुझे यहां बुला करके बोलने का मौका दिया, ये लक्ष्य हम सबका लक्ष्य बने, ये लक्ष्य केवल भारत निर्माण संस्था का लक्ष्य ना बने, हम इस लक्ष्य को पूरा करने में, अपने देश को आगे बढ़ाने में, देश की गंदगी को ठीक करने में, देश के बिजनेस को ठीक करने में और अपने व्यवहार की ईमानदारी, ये बहुत जरूरी है। जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है समाज के अंदर, कोई किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, पेशेंट डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता, वकील पर मुवक्किल विश्वास नहीं करता, परिवार में लोग विश्वास नहीं करते, समाज में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं करता, स्कूल में टीचर्स पर विश्वास नहीं है और परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है क्या ये हमारी संस्कृति थी, इसके संदर्भ में हमको जरूर सोचना चाहिए। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, जो विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी कड़ी थी, उस विश्वास को दोबारा से रीगेन करने की जरूरत है। मोदी जी के आने पर एक चीज तो जरूर हुई है कि एक विश्वास की वापसी जरूर हुई है। अब लगता है कि कुछ संभव है, अब लगता है कुछ डिलीवर हो सकता है, अब लगता है कि देश बन सकता है, अब लगता है कि पड़ोसी देश अब हमारे यहां ऐसे ही गर्दन काट के हमारे यहां नहीं फेंक देंगे, अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अब यह संभव है, यह संभव है कि मेक इन इंडिया से हम बड़ा बन सकते हैं, हम अच्छा बन सकते हैं। मुझे आपसे यही कहना है कि हम अपना इस जाते हुए वर्ष में इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें, अपने व्यवहार का इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें और मैं समाज सोसाइटी के लिए जहां भी मैं हूं वो कहां विश्वास की बहाली कर सकता हूं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, अगर इन दो तीन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से एक बात मानिए कि जो मैं आपको कह रहा हूं ये सब मैं अपने ऊपर लागू करता हूं। केवल मैं कहने के लिए कभी भाषण देता नहीं, जितना मैं कहता हूं, जितना मैं कर सकता हूं उसको करने का प्रयास करता हूं। हो सकता है कि उसमें मैं